पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक और जहां नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धू के खिलाफ अब जमकर बगावत हो रही है। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई है वो और ज़्यादा चौंकाने वाली है। खबरें हैं कि सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पार्टी के बड़े नेता रणजीत सिंह राणा ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और आप पार्टी में शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता रणजीत सिंह राणा इस बात से खासा नाराज थे कि सिद्धू को बिना वजह इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जबकि सिद्धू इस जिम्मेदारी के काबिल भी नहीं थे। गौर करने वाली बात तो यही कि रणजीत सिंह राणा की तरह पार्टी के कई अन्य नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने फिलहाल कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। आपको बता दें कि जिस तरह देखने को मिल रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जाकर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने जो फैसला लिया है, इससे पता चलता है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का आखिरी फैसला ही उनका फैसला रहेगा, चाहे कैप्टन या फिर अन्य नेता नाराज रहें। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।